ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के साथ साथ सूर्य आदि नवग्रह मंडल हम सभी का मंगल करें। मित्रों नमस्कार, जय विश्वनाथ। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे भरोसेमंद सटीक राशि फल आपको यहां पर मिलेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया देर न करें, नीचे हमारे नाम के सामने दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें। मैं हूं आपके साथ काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपको दैनिक पंचांग और राशिफल के विषय में अवगत कराएंगे। बिना वीडियो को स्किप किए आप पूरा वीडियो अवश्य देखेंगे। आज है दिनांक 10 अक्टूबर 2020। आज जिनका जन्म दिवस है, विवाह की वर्षगांठ है, उन्हें हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का सद्विचार, बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। इसलिए वाणी पर ध्यान रखें, संयम रखें। आइए आज के पंचांग पर नजर डालते हैं। आज दिनांक है 10 अक्टूबर 2020, विक्रम संवत 2077, जिसका नाम प्रमादी है, शक 1942, दक्षिणायन सूर्य, सौम्य गोल, शरद ऋतु, अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है जो कि 12:43 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। आज शनिवार है, पुरुषोत्तम मास का पवित्र महीना चल रहा है। हमारे चैनल से अधिक मास की कथा व्रत विधान का प्रसारण भी नित्य चल रहा है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा प्लेलिस्ट से हर अध्याय की कथा जाकर सुन सकते हैं। आज का नक्षत्र है पुनर्वसु, शिव योग, कौलो करण। मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। दिन में 3:02 के बाद कर्क राशि में प्रस्थान कर जाएंगे। सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे, वक्री मंगल मीन राशि पर, बुध तुला राशि पर, गुरु बृहस्पति धनु राशि पर, शुक्र सिंह राशि पर, शनिदेव धनु राशि पर, राहु वृष राशि पर एवं केतु वृश्चिक राशि पर संचरण करेंगे। आज रात्रि में 4:05 पर सूर्य चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे खंड वृष्टि का योग भी बनेगा। आज पूरब दिशा में दिक्षूल रहेगा। पूरब दिशा की यात्रा न करें। यदि एक ही दिन में आना जाना दोनों हो तो ऐसे में दिक्षूल का विचार नहीं करना चाहिए। यदि जाना अति आवश्यक हो तो आज काला तिल अथवा उड़द की दाल खाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आज सूर्योदय का समय रहेगा 6:13 पर एवं सूर्यास्त शाम को 5:47 पर होगा। अभिजित मुहूर्त 11:39 से 12:26 तक रहेगा। राहुकाल 9:08 से 10:35 तक रहेगा। पंचांग की सारी जानकारी आप काशी के सूर्योदय के अनुसार सुन रहे हैं। आज मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर राशि वालों के लिए चंद्रबल प्राप्त होगा। ये राशियां चंद्रबली होंगी। अब हम आपको मेष से मीन पर्यंत 12 राशियों के भविष्यफल को बताने जा रहे हैं। यह भविष्यफल चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी राशि नहीं मालूम तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि, स्वामी मंगल। ऊर्जा से भरपूर दिन की शुरुआत होगी। भागदौड़ भरा दिन हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में लाभ की संभावना है। कार्य व्यवसाय सामान्य रहेगा। सगे संबंधी किसी रिश्तेदार का घर पर आगमन हो सकता है। जीवन साथी के सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी मुश्किल में फंसे इंसान की मदद के लिए भी करना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रेम संबंधों में तटस्थता बनी रहेगी। भाग्यांक है 6। जीवन साथी पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। वृष राशि, स्वामी शुक्र। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। रुके हुए धन के प्राप्ति का योग है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कार्य व्यवसाय में निवेश के लिए आज अच्छा समय नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। जीवन साथी के साथ उत्तरदायित्वों की पूर्ति होगी। प्रेम बढ़ेगा। घर में माहौल खुशनुमा होगा। आपका भाग्यांक है 5। स्फटिक का श्री यंत्र आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मिथुन राशि, स्वामी बुध। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। काम का दबाव आपको प्रभावित कर सकता है। जिन्होंने लोन वगैरह लिया होगा आज उससे छुटकारा मिलने की उम्मीद है।
कार्य व्यवसाय के लिए उतार चढ़ाव भरा दिन होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हाथ आएगी। आपसी संवाद जीवन साथी के बीच रिश्तों को सामान्य एवं मजबूत बनाएगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आपका भाग्य अंक है 3, स्फटिक की माला धारण करें। कर्क राशि, स्वामी चंद्र। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। धैर्य और समझदारी धारण करना सफलता का मूल मंत्र है, यह आपको पता चल जाएगा। कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेना आपके लिए फलदायी होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में तैयारी कर रहे लोगों के लिए उत्तम दिन है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। आपस में प्रेम और सौहार्द पूर्ण व्यवहार बनेगा। प्रेम संबंधों को लेकर सचेत रहें। आपका भाग्य अंक है 7, काला कपड़ा किसी गरीब को दान करें। सिंह राशि, स्वामी सूर्य। ऊर्जा से भरपूर दिन होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। खान पान सामान्य रखने की आवश्यकता है। संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी। घर में मांगलिक कृत संपन्न होने के आसार हैं। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे लोगों को और मेहनत की जरूरत है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। वाद विवाद से बचें। प्रेम संबंधों को नए आयाम देने की आवश्यकता है। आपका भाग्य अंक है 5, भगवान सूर्य नारायण की उपासना फलदायी होगी। कन्या राशि, स्वामी बुध। काम का अत्यधिक दबाव स्वास्थ्य खराब कर सकता है। कार्य व्यवसाय में अपने से बड़ों का दबाव चिंता का कारण बन सकता है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आप किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे। जीवन साथी के प्रति हमेशा सचेत रहें। उदासीनता एवं झूठ रिश्तों में दूरी ला सकता है। प्रेम संबंधों में निराशा मिलने की उम्मीद है। आपका भाग्य अंक है 3, नौकरी एवं कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए अपने इष्ट देव की आराधना करें। तुला राशि, स्वामी शुक्र। स्वास्थ्य को सामान्य रखने के लिए खेलकूद योग का सहारा ले सकते हैं। कार्य व्यवसाय सामान्य रहेंगे। पठन पाठन कर रहे लोगों के लिए दिन उत्तम रहेगा। जीवन साथी से आज कुछ उपहार मिलने की संभावना है। किसी कार्य के हल होने से आपसी प्रसन्नता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपका भाग्य अंक है 6, भगवती दुर्गा की आराधना श्रेयस्कर होगी। वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल। ऊर्जा से भरपूर दिन रहेगा। सीखने की प्रवृत्ति आपको जीवन में नए आयाम प्रदान करेगी। आज कोई नया निवेश न करें। कार्य व्यवसाय सामान्य रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। धन को लेकर जीवन साथी के साथ आज मतभेद उत्पन्न हो सकता है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है। आपका भाग्य अंक है 7, पीपल वृक्ष में जलदान आपके लिए उपयोगी होगा। धनुराशि, स्वामी बृहस्पति। गर्दन कमर के दर्द से परेशानी का अनुभव हो सकता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य व्यवसाय में किया गया निवेश आज फलीभूत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा। जीवन साथी एवं संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी। प्रेम संबंधों में आज के दिन निराशा की उम्मीद है। आपका भाग्य अंक है 4, किसी गरीब की मदद करें। मकर राशि, स्वामी शनि। लंबे समय से महसूस हो रही थकान से आज निजात मिलने की संभावना है। अपने जीवन शैली में बदलाव लाने का आज सही समय है। कार्य व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। अपने बड़ों की सलाह पर अमल करें, सफलता अवश्य मिलेगी। पठन पाठन के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा सामंजस्य घर में माहौल को खुशनुमा बना सकता है। आपका भाग्य अंक है 4, हनुमत आराधना आपके लिए श्रेयस्कर होगी। कुंभ राशि, स्वामी शनि। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अनुकूल रहेगा। घूमना टहलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कार्य व्यवसाय में जल्दबाजी में निवेश न करें। आज का दिन इसके लिए ठीक नहीं है। संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी। पठन पाठन में सफलता की उम्मीद है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य की आवश्यकता है। रिश्तों के प्रति उदासीनता का भाव सही नहीं है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपका भाग्य अंक है 2, शिव की आराधना आपके लिए श्रेयस्कर होगी। मीन राशि, स्वामी बृहस्पति। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। ऊर्जा पर नियंत्रण रखें। अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में लापरवाही से हानि की आशंका है। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को और मेहनत करनी चाहिए। जीवन साथी के साथ संबंधों को ताजगी देने की आवश्यकता है। कोई खुशखबरी आज मिलने की उम्मीद है। आपका भाग्य अंक है 9, भगवान सूर्य को जलदान करें। इसी के साथ आज का राशिफल संपन्न होता है। दैनिक राशिफल की इस वीडियो को शेयर करने से भी पुण्य लाभ होता है।
चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप मत भूलिएगा। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ब्लॉग पर भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय विश्वनाथ।